गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं कुसुम और आज फिर से मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूं। तो देखिए, आज दो दिन बाद धूप आई है। मेरे रूम में यहाँ थोड़ा सा खिड़की खोली ना, मैंने उजाला दिख रहा है, तो बाहर चलते हैं। लेट हो गया, 8:30 हो गया, लेट उठे हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं। हम सोचे हैं आज हम बनाएं गोभी के पराठे और केले की सब्ज़ी, तो फटाफट से बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। बड़े सा उजाला आ रहा है बाहर से, लाइट भी खुली है ना, इसका भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। वैसे तो अभी नवी तो उठ गया, नवी खेला है, मैं बस सामान वामान टांग रही थी उसका। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। गोभी फ्राई हो रही है गोभी के पराठों के लिए, और यहाँ पर हमने केले की सब्ज़ी बनाई है। गाइस, हम खा रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे। नवी, प्राची, रुचि और मैं बैठे हैं। गाइस, अब हम घुस गए यहाँ पे खेत में। यहाँ क्या बोलते हैं नींबू सानने को, खटाई ना, खटाई बनाने के लिए हम धनिया तोड़ रहे हैं। लहसुन के पत्ते भी हैं, ऑर्गेनिक है सब। सासू माँ की मेहनत है ये सब, जितना भी दिख रहा है। इधर मूली भी हैं, मूली भी निकाल रखी है, मूली भी डालेंगे ना, तोड़ दो इसे। हाँ, खाने के लिए तो है सब मूली। वो बाप रे, रुचि की पूरी ताकत लग गई, इतना बड़ा है क्या, इतनी बड़ी मूली। झाड़ दो ऐसे मारो पत्तों में। चलो इसे फटाफट से धोते हैं, इसको अब खाएंगे बढ़िया स्वाद लेके। खांसी हो गई भाई, खराना क्या करो, मना खराब। चटनी तो हमने फटाफट मिक्सी में पीस ली है, अब नींबू वगैरह काटते हैं, फटाफट बनाते हैं, उसके बाद खाना भी तो बनाना है। हमारा बनता है ना कुमाऊं में, लेकिन हम लोग वो डालते हैं इसमें भांग का नमक, तो स्वाद अलग ही आता है। ये खाली लहसुन और वो है नमक, अपना अलग स्वाद है। हम बाहर बैठ के धूप में आराम से, मतलब नींबू तो धूप में नहीं काटे, थोड़ा छाया में बैठे हैं, बट आराम से बाहर बैठे क्योंकि आज बढ़िया से धूप आई है। तो रुचि नींबू काटी, मैं मूली अनार वगैरह काट रही हूँ, और बच्चों ने इतना परेशान कर रखा है ना, कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। इसमें हमने मूली, नींबू क्या डाला है, अनार, सेब। अब चटनी मिलानी है, कितना मिला है, अब मिलाओ रुचि। नहीं मिलाओ, इसमें गुड़ और चीनी भी मिलाई हूँ। रेड कितना अच्छा लग रहा है। ये प्राची एप्पल खा रही है, नवी भी एप्पल खा रहा है। मैं कहाँ से सुनूँ, कैसा हो रहा है वैसे रुचि, मजा आ रहा। दादा भी खा रहे, लेकिन दादी नहीं खा रही। चटपटा हो रहा है, वो अच्छा रहा है, चटपटा खट्टा मीठा हो रहा है। हमने गुड़ भी तो डाला है, अनार भी। अनार तो गर्मा गर्म खिचड़ी, धनिया डाल दिया है। अभी मन तो है नहीं खाने का, तो बच्चों को खिलाते हैं, अगर खाएंगे तो। हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है ना, बिना बात के बर्थडे मना रहे हैं। देखो हमारे बच्चे, किसका बर्थडे आज, खाली खाली। प्राचू तो अभी नींद में ही है। प्राचू क्या हुआ, आज हमारे बच्चे फर्जी केक खा रहे हैं। टू हो गया, गाइस अभी इवनिंग हो रही है और हमारे बच्चों का केक पार्टी चल रही है। रुचि जरा थोड़ी देर, मतलब यहाँ वाला तक गई थी तो वो केक ला गई। इनके रोज का हैप्पी बर्थडे ही मनाना होता है इन्हें, बस ये मोबाइल में देखते हैं इसका बर्थडे, तो रोज ही अपना बर्थडे मनाते रहते हैं। One hour later. हमने डिनर वगैरह कर लिया है और नवी सो भी गया है। यहाँ देखिए नवी सो गया है, सामान मतलब ऐसे बिखरा हुआ है, तो बस अब हम भी सोने जा रहे हैं। फिर अब सो जाते हैं क्योंकि दिन से नहीं सोते ना, बच्चों के साथ थकान भी हो जाती है, तो बस सोते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं
कल या परसों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।